सबसे पहले आप सभी को नमस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करें तो आज नमस्ते नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सदी का टाइम तो अभी हम दक्ष मंदिर में हैं और आप दक्ष मंदिर में आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते आज आपको यहाँ कितने श्रद्धालु दिख रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रो वाइज ये दक्ष प्रजापति मंदिर है महादेव जी का ससुराल और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं दक्षेश्वर महादेव जी के प्रांगण में आपको कितने श्रद्धालु यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले आप प्रवेश द्वार पर चलते हैं। प्रवेश द्वार से अंदर आते समय आपको सबसे पहले ये प्रतिमा दिखाई देगी। तो जो अभी दर्शन करना पाना तो मुश्किल ही है क्योंकि भक्तों की भीड़ काफ़ी लंबी है, लाइनें काफ़ी लंबी हैं यहाँ पर जो लगी हुई है और दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है और वैसे भी जो अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। और इस तरफ जो है दक्षा घाट है, इस तरफ महादेव जी का मंदिर दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो आज यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु दिख रहे हैं और काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दिख रहे हैं जो है पूरी रो। तो अभी हम उसके पिछले द्वार पर हैं दक्षेश्वर महादेव के, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इस साइड से भी लाइनें लगी हैं पर यहाँ से अंदर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आज कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं सही श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं।
तो आज की वीडियो में आपने देखा, आज हम दक्षेश्वर महादेव मंदिर गए थे पर हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि आज वहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी और मुझे भी काम था तो मुझे भी वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आज छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, पर अगर आप दक्षेश्वर महादेव जी की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं। और वहां पर जो पूरी बड़ी वीडियो है जो एक महीने पहले की ही वीडियो है अभी, तो आप उसको देख सकते हैं। और वहां पर दो कारण थे हमारा वापस आने के, एक तो अभी वहां पर जो संध्या आरती है वह बहुत फेमस है तो अभी वहाँ पर और श्रद्धालु आते पर हमारा काम था तो हम निकल गए। और दूसरा वहाँ जो है गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है तो इसीलिए तो गर्भगृह की भी वीडियो तो वैसे बन भी नहीं पाती, तो हम निकल गए पहले ही। और अभी शाम भी हो चुकी है, रात होने वाली है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ साथ कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।